नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे भाई बहन मेरे से कमेंट करके पूछते हैं कि भाई नोट्स कैसे बनाएं। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन नोट्स नहीं बनाने आते हमें, हम नोट्स कैसे बनाएं। तो आज इसी पर चर्चा करूंगा दोस्तों। जो भाई बहन सेल्फ स्टडी करते हैं, कहीं कोचिंग नहीं जाते, तो वो अपने नोट्स कैसे तैयार करें खुद के। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करूँ। इससे पहले आपसे निवेदन है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मैं नोट्स की यदि बात करूं तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, किसी और के नोट्स ज़िंदगी में मत पढ़ना। किसी और के नोट्स ज़िंदगी में मत पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना दोस्तों, अब आपकी कहानी समझ में आ जाएगी। किसी और के नोट्स, किसी कोचिंग के, किसी के भी नोट्स नहीं पढ़ने, आपको खुद बना करके खुद के ही पढ़ने हैं। क्यों, चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों मैं नोट्स की यदि बात करूँ तो नोट्स दोस्तों दो तरीके से तैयार किए जाते हैं। मैं दिखाऊँगा अभी मेरे नोट्स आपको। दो तरीके से नोट्स तैयार किए जाते हैं दोस्तों। पहला तरीका तो दोस्तों नोट्स उसके लिए अपन तैयार करते हैं कि एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा हो जाए। जैसे अपन बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, तो उसके लिए अपने नोट्स बनाते हैं, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए नोट्स बनाते हैं। अब नोट्स बनाते क्यों हैं, तो चलिए दोस्तों पहले आपको नोट्स दिखा देता हूँ, फिर आप अपन इस पर चर्चा करेंगे पूरे ऊपर। अब ये नोट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, ये नोट्स मैंने सेल्फ बनाए हुए हैं दोस्तों, ये देख लीजिए आप। ये बीए में था तब के बनाए हुए हैं दोस्तों, ये बीए के नोट्स हैं। या नीचे आपको दोस्तों दिखाई दे रहा होगा, ये मेरे साइकोलॉजी के नोट्स बनाए हुए हैं, ये पर्सनैलिटी टॉपिक के, ठीक है। अब मैं फिर आपको समझाऊंगा ये नोट्स बनते कैसे हैं। ये नीचे दोस्तों रीट के नोट्स बनाए हुए हैं, एसएसटी की बुक से, ठीक है। अब दोस्तों अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्यों बोलता हूँ कि नोट्स खुद के बनाने हैं, खुद को पढ़ने हैं, क्यों पढ़ने हैं, अब समझ में आएगी आपकी कहानी। दोस्तों आपको एक मैं बात बताऊँ, नोट्स किसी कोचिंग के अपन पढ़ेंगे ना, तो नोट्स बनते कैसे हैं दोस्तों, पहले एक अच्छी सी बुक को बंदा पढ़ता है, क्या करता है, बुक को पढ़ता है। अब वो बुक होती है दोस्तों 700 पेजों की, कितने पेजों की, 700 पेजों की। वो बंदा क्या करता है, बुक को अच्छे से पढ़ लिया उसने, पढ़ने के बाद बुक में जो मेन मेन चीज़ें होती हैं दोस्तों उनको शॉर्ट हैंड में वो लिखता है, क्या करता है, शॉर्ट हैंड में वो लिखता है, ताकि वो बार बार उसको रिवाइज कर सके, उसको पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़े। यानी वो शॉर्ट हैंड के जो नोट्स हैं वो देख लेगा तो उसके पूरी बुक ऑटोमेटिक माइंड में घूम जाएगी। इसलिए दोस्तों नोट्स तैयार किए जाते हैं, ठीक है। अब नोट्स तैयार करने के लिए आपको करना क्या है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप किसी और के नोट्स पढ़ेंगे ना, तो आपने वो बुक तो पढ़ी नहीं है, आप डायरेक्ट नोट्स पढ़ रहे हो, तो वो नोट्स आपके किसी काम के नहीं है। मानकर चलिए मैंने नोट्स बना रखे हैं, पता नहीं कौन कौन सी बुक से मैंने नोट्स बनाए हैं, यदि आपने उस बुक का अध्ययन ही नहीं किया है तो नोट्स आपके किस काम के, कोई काम नहीं आएंगे, समझ रहे हो, कचरे का ढेर है वो आपके लिए। और ऐसे ही कोचिंगों में होता है दोस्तों, कोचिंगों में क्या करते हैं, कोचिंगों के बच्चे नोट्स इकट्ठे कर लेते हैं, नोट्स इकट्ठे करने के बाद वो नोट्स समझ में तो आते नहीं है, एक बार वो सुंदर लगते हैं कि हाँ कितने अच्छे नोट्स हैं, मतलब अच्छे अच्छे जमा जमा कर लिखे हुए होते हैं, बहुत सारी चित्रकारी की होती है, लेकिन घर ला कर जब पढ़ने बैठते हैं तो माथा पकड़ लेते हैं कि समझ में नहीं आ रहा। वो समझ में आएगा कैसे, वो किसी बंदे ने बनाए हैं, कहाँ से पढ़कर बनाए हैं, या कोचिंग वाला जो बंदा बनवा रहा है नोट्स, तो पता नहीं उसने कौन कौन सी बुकों का अध्ययन किया, वो कैसे बना रहा है, किस तरह से वो समझा रहा है, क्या क्या चीज़ वो लिखवा रहा है, तो वो अपने कोई काम के नहीं है। सेल्फ स्टडी करके खुद को नोट्स बनाने हैं। करना क्या है दोस्तों, आपको एक बुक उठानी है, कोई भी बुक उठानी है, जो अच्छी बुक हो, गाइड नहीं उठानी है, बुक उठानी है, अच्छी बुक उठानी है दोस्तों। और आपको करना क्या है, आपका पहले सिलेबस देखना है, क्या देखना है, सिलेबस देखना है दोस्तों। सिलेबस देखने के बाद जो भी टॉपिक आपने उठाया उस टॉपिक में जो जो बिंदु लगते हैं, अब ध्यान रखना जो बुक होती है ना दोस्तों उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट चलना बहुत महत्वपूर्ण रहता है। अब देखिए आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं, राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं जिसमें राजस्थान का परिचय पढ़ रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें छोड़ी हुई होती है सिलेबस में, जो अपने कंपिटिशन का एग्ज़ाम होता है उसमें, तो जो आपके सिलेबस में लगता है वो चीज़ पहले पढ़ें। पढ़ने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, शॉर्ट हैंड नोट्स लिखने हैं, पूरी आप बुक कंप्लीट कर दोगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, दोबारा जब आप पढ़ो तब आप नोट्स लिखने। नोट्स लिखने कैसे, आपको बिल्कुल शॉर्ट में लिखने, पूरी लाइन नहीं लिखनी। अब देखिए दोस्तों, ये तो मैंने ग्रेजुएशन में लिखे थे दोस्तों, जब बीए में था, बीए की बुक से लिखे है मैंने ये, तो देखिए जैसे कालीबंगा सभ्यता, अब मैंने इधर देखे दोस्तों ऐसे दर्शा दिया, ये देखे दोस्तों यहाँ से निकलती है, फिर ये हनुमानगढ़ में कहाँ से प्रवेश करती है, पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। यहाँ पर देखे दोस्तों कहाँ से इसका उद्गम होता है,
और किस किस नाम से जाना जाता है इसे, खोज किसने की, ठीक है, उत्खनन किसने किया। और दोस्तों देखिए नीचे ये सभ्यता कैसी सभ्यता थी देखिए, और ये नीचे पूरा का पूरा देखिए, कालीबंगा, प्राग, हड़प्पा, हड़प्पा समकालीन, पश्चिमी सभ्यता, हड़प्पा, इसकी विशेषताएं देखिए दोस्तों। ये सारे मैंने शॉर्ट में लिखे हुए हैं दोस्तों, यानी जब बीए में था, अब तो और भी शॉर्ट में लिख दूँ, लेकिन तब ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था दोस्तों, तो इस तरह से लिखा मैंने, समझ रहे हो। अब देखिए दोस्तों नीचे देखिए साइकोलॉजी का है, तो साइकोलॉजी का ये नोट्स बनाया हुआ दोस्तों एस के मंगल सर की बुक से, मेरा किस से, एस के मंगल सर की दोस्तों, 700 पेज की बुक आती है शिक्षा मनोविज्ञान की, उससे बनाया हुआ है। अब देखिए दोस्तों मेन मेन चीज़ यहाँ पर लिख दी कि जैसे व्यक्तित्व के बारे में परिभाषा है, तो परिभाषा पूरी लिखनी पड़ेगी। अब उपागम है दोस्तों, तो हिप्पोक्रेट्स और गैलन का जो वर्गीकरण है ना दोस्तों व्यक्तित्व का बहुत बड़ा है। अब मैंने वहाँ पर मेन मेन चीज़ें लिख दी, देखिए हिप्पोक्रेट्स और गैलन का वर्गीकरण, स्वभाव, देखिए स्वभाव संवेग के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया था व्यक्तित्व का, और इन्होंने व्यक्तित्व के चार भाग बांटे थे, देखिए दोस्तों पीले पित्त वाले, काले पित्त वाले, कफ वाले, अधिक रुधिर वाले, ठीक है, और इन्हें दोस्तों अंग्रेजी में कोलेरिक, मेलकोनिक, फ्लेगमेटिक, शेगविन कहते हैं, ठीक है। इधर देखिए दोस्तों इनका स्वभाव देखिए, जो पीले पित्त वाले वो क्रोधी, विवादी, चिड़चिड़े, तुक मिजाजी, ये निराशावादी, दुखी, खिन। नीचे देखिए ये देखिए दोस्तों निर्बल, सुस्त, ये शीघ्र कार्य करने वाले, कर्मठ, उत्साही, आशावादी होते हैं। इसी तरह से देखिए दोस्तों मैंने मतलब बहुत शॉर्ट में लिखे हैं दोस्तों, ये मतलब वर्गीकरण है, ये कम से कम चार चार पेज में दे रखा था, पर मैंने मेन मेन चीज़ें ऐसे लिख ली अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो इस तरह से दोस्तों आपको अपने नोट्स हैं वो तैयार करने हैं। कुछ बात आपके समझ में आ रही होगी, पहले तो आप बुक को अच्छे से पढ़िए, बुक को अच्छे से पढ़ने के बाद आप वो चीज़ नोट कीजिए जो आपके कम याद रहती हैं, और शॉर्ट में लिखनी है आपको, क्या करनी है, शॉर्ट में लिखनी है, ताकि वो बुक आपको दोबारा एग्ज़ाम के टाइम में ना पढ़नी पड़े, आप अपने नोट्स पढ़ लो तो ये आपका काम बन जाए। इसीलिए मैं दोस्तों रीड के लिए आपको बोलता हूँ कि आप अपने शॉर्ट एंड नोट्स बनाइए, शॉर्ट एंड नोट्स बनाइए दोस्तों, टाइम नहीं लगता नोट्स बनाने में, आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया ना आपने एक टॉपिक, तो एक बार उसको सरसरी नज़रों से दोबारा पढ़ लेना, उसके बाद उसके नोट्स बना देना, एक पेज में नोट्स बन जाएंगे दोस्तों। आपने 10 पेज पढ़े तो एक पेज में सिमट कर रह जाएगा वो, और बाद में ये एक पेज पढ़ोगे ना तो ये 10 पेज का काम करेगा, ठीक है। और ये सेल बनाने हैं दोस्तों आपको इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप सेल बनाइए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों रीट वाले, अब रीट में इतना मैं पता नहीं था मुझे, फिर भी मैंने देखे शॉर्ट में लिखे हैं। ये देखिए राजस्थान का अफवाह तंत्र 8th क्लास का दोस्तों, 3 प्रकार की अफवाह प्रणाली पाई जाती है, ये कौन कौन सी नदियां देखिए दोस्तों किस अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। अब चंबल है तो देखिए दोस्तों चंबल के बारे में शॉर्ट में मैंने तो शॉर्ट में लिखा है मेरे हिसाब से, बाकी अपना अपना तरीका होता है लिखने का। देखिए उद्गम कहाँ से होता है, देखिए कोटा इसी के किनारे है, पूछ लिया जाता है कोटा शहर किस नदी के किनारे है। अभी देखिए दोस्तों कहाँ से प्रवेश करती है, इस तरह से मैंने दोस्तों शॉर्ट में लिख दिया। अब जैसे बनारस के बारे में देखिए दोस्तों शॉर्ट में मैंने तो मेरे हिसाब से शॉर्ट में इस तरह से लिख लिया। तो इस तरह से आपको दोस्तों नोट्स तैयार करने हैं, जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं उनके लिए है ये, ठीक है, इस तरह से। अब मेरी तो राइटिंग अच्छी नहीं है, तो आपको पहले तो दोस्तों बुक को अच्छे से पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, पढ़ने के बाद दोस्तों जब आप दोबारा रिवाइज करो तब आप मेन मेन चीज़ लिखते जाना। और रीट की यदि आप तैयारी कर रहे हो, SST की बुक पढ़ रहे हो, तो दोस्तों एक चैप्टर आपने पढ़ लिया ना तो पढ़ने के तुरंत बाद वो चैप्टर समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं किताबें हमें समझ में आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से पढ़ लिया आपने लेसन, पढ़ने के बाद दोस्तों एक पेज लीजिए अच्छा सा A4 साइज़ का, और उसमें दोस्तों नोट्स बढ़ा दीजिए उसका, इस तरह से आप बनाते जाइए, आपके 87 पेजों में ये दोस्तों आपका रजिस्टर तैयार हो जाएगा पूरा का पूरा। इस तरह से आपको अपने दोस्तों नोट्स हैं वो तैयार करने हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर जरूर करना।